हेलो दोस्तों, आप सभी का मयंक अंता व्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। ये आज का जो व्लॉग है, हम लोग डोंगरगढ़ गए थे, नया बाइक खरीदे हैं मेरे ससुराल में, तो दर्शन करने के नाम से, पूजा करने के नाम से, तो मैंने ये व्लॉग बना लिया है। आप सभी को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और लाइक करना तो ना भूले, और इस बार कमेंट में प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी। तो दोस्तों, माता रानी का दर्शन करते वक्त एक भक्त ऐसा मिल गए थे जो अपने घुटनों के बल पूरा सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। तो उनका ये क्लिप है, ज़्यादा टाइम तक तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आगे बढ़ गए थे हम लोग थोड़े समय बाद। देखिए अब कितने टाइम पहुँचे उसका पता नहीं। तो सब चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, रुक रुक के चढ़ते हैं, बैठ के थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं। हम लोग का चल ही रहा है, अभी तक चढ़ ही रहे हैं, रुकते हैं हम लोग भी, तो चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अपन लोग अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये लगभग डोंगरगढ़ के सीढ़ियों का आधा माना जाता है। अब पता नहीं एक्चुअल में मेरे को भी लग रहा है आधा चढ़ने के बाद और समझ आएगा। वैसे बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन सब इसी को ही बोलते हैं कि अब आधा रास्ता और बचा है करके। और देखो मंदिर कितना मस्त है, मंदिरों पर सांप का वो है कलाकृति। जय भोलेनाथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख ही सकते हो कि यहाँ पर दर्शनार्थी लोगों का कितना भीड़ है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा भी है और आज का दिन बहुत शुभ होता है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हमें तो दर्शन प्राप्त हो चुका है और आप लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन प्राप्त हो ही रहा है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जय माता दी लिखने से ना चूके,
और ये देखिए जय माता दी, जैसे कि देख ही पा रहे हैं आप लोग अच्छे से रसम, और भीड़ का जो मंज़र है वो ऊपर भी आपको दिख ही रहा होगा। देखिए कितना भीड़ है, मैं थोड़ा सा खाली जगह में था तो बना लिया था वीडियो, और ऊपर जैसे ही चढ़ते जाऊँगा देखना अभी आपको और दिखा रहा हूँ मैं कितना भीड़ था, बहुत लंबा मतलब ऊपर का जो है वो। ऐसा तो पूरा पंचमी के दिन नवरात्रि में शुरुआत से ही रहता है भीड़, बाकी आज शरद पूर्णिमा तब भी देखो पूरा ऊपर तक। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, जय माता दी जय माँ बम्लेश्वरी, आप सबको भी दर्शन कराते हैं, जय माता दी, है ना, दर्शन करो दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, कैसा बना है ब्लॉग बताइएगा, है ना। देखिए इतना भीड़ है, तो दोस्तों अपने को दर्शन हो ही गया, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे चलते हैं। देखिए नज़ारा कितना सुंदर लगता है ऊपर से नीचे का नज़ारा, है ना, बहुत सुंदर यार, कितना मस्त लग रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा घूमने का, एकदम मस्त, बोले तो आनंद आ गया फुल एंजॉय भी किए हैं, मस्ती किए हैं, घूमते हुए गए। देखिए चाचा जी उतर रहे हैं, ये देखिए इधर थोड़ा सा फोटो वगैरह लेने के लिए गए थे, इधर भी जाते सब नीचे गार्डन टाइप सा बना है, उधर भी गया था लेकिन उधर का सुख नहीं कर पाया। और आगे बने रहिए वीडियो में, वो लिफ्ट भी है उड़न खटोला, उसी से कई लोग आते जाते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं, लेकिन ना भीड़ भी बहुत था और प्लस हम लोग को पैदल ही चढ़ने का था, मज़ा आता है पैदल चढ़ने में, एकदम मस्त। देखो माहौल कैसा था इस दिन का, है ना, ऊपर में चढ़े। ये देखिए अब यहाँ मन्नत मांगते हैं, इसलिए मतलब तो ये है भाइयों उड़न खटोला, जिससे लोग आ जा रहे हैं, कि उड़न खटोला वाले में भी बहुत भीड़ है क्योंकि आज आपको पता है ना शरद पूर्णिमा है करके। ये देखिए लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्रेक भी नहीं हुआ है ना ये इसमें लिफ्ट में। इधर का दुकान देखो कितना सुंदर सुंदर लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है यार, उतरो चढ़ो ऐसी, मैं तो चढ़ने का नहीं बोल सकता लेकिन ऊपर से उतरने का मज़ा ही मेरे को अलग लगता है, मस्त लगता है नज़ारा उधर का, दुकानें लगी रहती है। और यहाँ का भेल तो खाना मैं मिस नहीं करता, भेल और खीरा बहुत टेस्टी लगता है, चाहे कोई से भी दुकान में खा लो, है ना। तो उतरते हैं नीचे चलते हैं,
तो दोस्तों अपन नीचे पहुंच ही चुके हैं, और नीचे पहुंचने के बाद चलो देखते हैं क्या है। बहुत भूख भी लग रहा था, और हम लोग को ये नज़र आया बाबा जी का भंडारा लगा हुआ था, जय गुरुदेव उनके नाम से भंडारा लगा था। बैठ गए और पेट पूजा भी हो गया, मस्त दर्शन भी हो गया, और उसके बाद खा पी के आराम से हम लोग प्रसाद लिए दुकान से और निकले हैं। वो देखिए गुरुदेव का फोटो है ना, तो ये चल रहा है भंडारा। और बस हम लोग भी अब निकल ही रहे हैं। ये वाला अपना गाड़ी है जिसके नाम से अपन आए हैं, ये अजय है। उधर चाचा प्रसाद ले रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर लाइक करना ना भूले। जय माता दी।